अखिल भारतीय यादव महासभा ने मानस मंच पर एकत्रित होकर छतरपुर में कन्या सेना के असामाजिक तत्वों द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी की निंदा की है। साथ ही एसपी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला है। उसके बाद पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर राष्ट्रीय कार्यवाही की मांग की है। कार्यक्रम में पधारे यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने सभा को संबोधित करते हुए सभी से कहा कि हमें अनुशासन में रहना है और न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद करना है। साथ ही अनुशासन में रहकर सभी जिलों में ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से आरोपियों पर शीघ्र ही राशोका की कार्यवाही की मांग की गई है। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे यादव महासभा के जिला अध्यक्ष प्रमोद यादव ने भी सभी समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग हमेशा दूसरों का सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अगर कोई हमारी समाज एवं हमारे परिवार पर अभद्र टिप्पणी करेगा तो उसे हम छोड़ने वाले नहीं हैं। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। उसी के लिए आज टीकमगढ़ में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और यहाँ हमें आने वाले समय में आपकी प्रशासन बात नहीं सुनेगा तो क्या होगा? बिल्कुल बड़ा आंदोलन होगा, मध्य प्रदेश के कोने कोने में जाएगा और टीकमगढ़ में अभी ये तो ट्रेलर रहेगा फिल्म। और हम तो प्रशासन से अनुरोध करते हैं किसी किसी की कार्रवाई करे, एवं अपने स्वजाति बंधुओं से भी अनुरोध करते हैं कि हमें धैर्य और संयम के प्रशासन पर भरोसा करते हुए कार्य करना है, जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव न बिगड़े और अपने कानून के दायरे में रखकर ही आज भी हमने उसी का पालन किया है और उसी में आके कानून से जो भी हमें मदद मिलेगी, इसलिए एसपी साहब की चौखट पर गुहार लगाने के लिए आए हैं कि आप ही हमारे कानून के रक्षक हैं, जिला के मुखिया हैं और आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो सामाजिक सद्भावना लगातार बढ़ती जाएगी। आपसे अनुरोध है कि आप शीघ्र कठोर कार्रवाई के लिए छतरपुर एसपी और डीजीपी महोदय को यहाँ से अवगत कराएं। थैंक यू। थैंक यू। आज ज्ञापन देने आए, क्या मामला है, किस चीज को ज्ञापन है? क्या है कि उस समय से बुंदेलखंड में खासतौर से पिछड़े वर्ग के लोगों पर, आदिवासियों पर, दलितों पर लगातार सामंतवादी सोच के लोग हमले कर रहे हैं। उसको लेकर हम यादव महासभा के माध्यम से प्रशासन से सब जगह जाके हमने न्याय की गुहार लगाई, चाहे वो पन्ना हो, चाहे वो दमोह हो, चाहे वो सागर हो, चाहे वो छतरपुर हो। इन्हीं सब सिलसिलों को जब हमने उठाया तो एक संगठन है करणी सेना नाम से, उन्होंने छतरपुर में एक बवंडर रैली का नाम देकर जिसको बाकायदा लिखा हुआ था उनके बैनर पर वो आयोजित की। मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो बवंडर रैली का मतलब क्या था। ना तो हमने उनको गाली दी, ना हमने उनको कोई मारा, ना उनके घर में घुसे। मैं ये नहीं समझ पाया कि बवंडर रैली का मतलब क्या था। और जब उन्होंने हमारी माँ को गाली दी तो ये बर्दाश्त से बाहर हो। हम लोगों ने इसका संज्ञान लेने के लिए छतरपुर में प्रेस वार्ता की, क्योंकि प्रशासन के पास तो हम बराबर जा रहे थे लेकिन लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही थी। और हमने आप लोगों के माध्यम से ये कहा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जिले के प्रशासन से, कि वक्त रहते अगर आप लोग कार्रवाई कर देते, अगर हमारे एक इंजीनियर यादव पर ड्यूटी पर मारपीट की गई, अगर केस की लिपापोती नहीं की गई होती, छोटी सी धाराएं लगाकर उन लोगों को जमानत ना मिली होती तो उनका साहस नहीं बढ़ता। इसी प्रकार से बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र में एक दुकान राशन की दुकान थी, जो हमारा जाति बंधु राशन लेने गया था, वो राशन 2 महीने का उससे अंगूठा लगवा रहे थे और 1 महीना का दे रहे थे। उन्हें विरोध किया तो उस पर भी बदमाशों ने, सामंती सोच के लोगों ने उसको रास्ते में बहुत बुरी तरह से मारा। इसी घटना को लेकर हम छतरपुर प्रशासन के पास गए थे लेकिन हमें न्याय तो नहीं मिला। उसके बाद हमें माँ की गाली मिलना शुरू हुई तो हमने पूरे प्रदेश को आह्वान किया कि मेरे दलित भाइयों, मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, मेरे सुजाति बंधुओं, आओ और न्याय लेने के लिए हम मध्य प्रदेश के हर थाने में जाएँ, हर एसपी ऑफिस में जाएँ, हर जगह अपनी गुहार लगाएं। हमने आपके माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी से कहा है, छतरपुर से कहा, पन्ना से कहा, सागर से कहा। आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप पिछड़े वर्ग से आते हैं, अगर आपके रहते हुए हम लोगों के साथ ये अत्याचार हो रहा है तो फिर आपके रहने का कोई मतलब नहीं है। या तो संभालिए आपके गुंडों को, आपके सामंतियों को, अगर आपसे नहीं संभलते हैं तो कुर्सी छोड़ दीजिए, फिर जो आएगा हम उससे निपट लेंगे, क्योंकि आप पिछड़े वर्ग का चेहरा है। हम अपनी सीमाओं में रहते हैं, हम आपसे सीधा संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं और हम संघर्ष चाहते भी नहीं हैं, लेकिन माँ की इज्जत के लिए हम कुछ भी करेंगे। माँ की इज्जत के लिए हमें जान देने पर जान देंगे। और आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जिस प्रकार से मीडिया ने हमारा साथ दिया है पूरे घटनाक्रमों में, इसी प्रकार से आपका साथ बना रहे। अगर आपका साथ ना होता तो शायद ये बात आज संज्ञान में ना आती, इतना बड़ा ये आंदोलन ना बनता, लोग घरों से नहीं निकलते। तो मीडिया का मैं खासतौर से बहुत आभारी हूँ,
क्योंकि लोग के चौथा खम्मा है। आप लोग हमारी जो सहायता की है वो हम उसका ऋण हमेशा हमारे जीवन में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।